धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे स्वर्ग में विराजमान महान परमेश्वर, हमारे सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वगुण संपन्न प्रभु यीशु मसीह, आपके हाथों में हम सब कुछ सौंपते हैं खुदावन। हम सभी भाई और बहनें मिलके प्रभु आपके नाम की स्तुति महिमा और बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम आपसे अपने जीवन में आराम, उपचार, सफलता और आशीष लाने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम इस प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन के हर पहलू में आपका समर्थन चाहते हैं और आपकी अगुवाई को मांगते हैं खुदावन्द यीशु मसीह, कि आप हमें अपनी आशीष और बरकत से परिपूर्ण करें, अपनी स्वर्गीय आशीष से भर दे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम आपकी संप्रभुता और प्रेम को स्वीकार करते हैं और हम प्रभु आपको अपना एकमात्र उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, कि आप हमारे लिए प्रभु जो अपना बलिदान दिया, आपने जो हमारे लिए मुक्ति के स्रोत बने प्रभु, आप जो हमारे लिए जीवन को एक उद्धार दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे जीवन में बहुत सारे उपहार दिए प्रभु, वो उपहार प्रभु जो हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने अपने प्रेम, अपनी करुणा, अपनी दया से हमें भरा है प्रभु। आपने हमारे जीवन के हर दुखों को दूर करने के लिए प्रभु आशीष से भरा है। हम जब कभी विपत्ति, मुसीबत, संकटों में पड़े, तब आपने प्रभु हमारी सुधि ली और हमें हर प्रकार से आशीषित किया। आज जितने भाई बहन प्रभु अपने दुखों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आज उनके हर प्रकार के दुख को दूर करें और उनके जीवन में खुशहाली और प्रेम भरे प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम से मांगते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जैसा कि आपका वचन भजन संहिता 46 के पहले में हमें आशीषित करता है कि संकट के समय में हमारी शरण और शक्ति बनने की आपकी प्रतिज्ञा पर हमें भरोसा है। हम अपना बोझ, दुख और चुनौतियां आपके सामने प्रकट करते हैं खुदावन। हमारे प्रभु आप हमारी बीमारियों को, दुर्बलताओं को ठीक करते हैं। आज जितने भाई बहन अपनी कमजोरियों को आपके सामने रखते हैं, आज जितने भाई बहन अपने बीमारियों को आपके सामने प्रकट करते हैं, उनकी सुधि ले। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज उनको खाली हाथ न जाने दे खुदावन। क्या आज बड़ी दीनता और हीनता के साथ अपने रोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने दर्द और पीड़ाओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन। उनके जीवन से आज इसी वक्त उनके बीमारियों को दूर भगाते हैं, हर प्रकार के दर्द और पीड़ाओं को यीशु के नाम से दूर भगाते हैं। हालेलुया, क्योंकि आप ही है प्रभु जो उनके हर प्रकार के शारीरिक दुर्बलताओं को दूर करते हैं, उनके मानसिक उत्पीड़न को दूर करते हैं, जो उनको मन से शांति देते हैं, उनके जीवन में शांति और शालोम लाने वाले आप महान परमेश्वर, आज उनकी सुधि ले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपनी दया से, अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें स्वस्थ और पुनर्स्थापना प्रदान करे प्रभु, जैसा कि वचन यिर्मयाह 30:17 में है प्रभु। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम अपने प्रयासों में सफलता पाने के लिए आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। हम वो ज्ञान, बुद्धि, समझ मांगते हैं प्रभु, जिसके द्वारा हम जो कदम उठाएं, जो भी हम अपनी सफलता के प्रयासों में आगे बढ़ते हैं, तो वो हम सफल पाएं। हाँ प्रभु, कितने आज भाई बहन आज प्रार्थना कर रहे होंगे अपनी सफलता के लिए, प्रभु आप उनकी मार्गदर्शन करें, उनको आशीषित करें, उनको दृढ़ स्थिर करें प्रभु यीशु मसीह, कि क्योंकि सफलता सिर्फ आप में है। अपनी महिमा के लिए प्रभु हमारी प्रतिभाओं और क्षमताओं का प्रयोग करने में हमारी सहायता करें, हमारे हर एक बाधाओं को दूर करने और आपके द्वारा हमें शक्ति प्रदान होने में सहायता और मदद करें। हाँ प्रभु, जो भी हमारे अंदर प्रतिभा है, जो भी हमारे अंदर क्षमता है, आप उनको निखारो प्रभु यीशु मसीह, और हम इस लायक बन सके कि हम अपनी प्रतिभा और क्षमताओं के बल पर सफलता प्राप्त कर सके, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि नीति वचन 3:5-6 में हमें आश्वासन मिलता है कि आप हमारी बाधाओं को दूर करते हैं, हमारे निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी सहायता और मदद करते हैं, क्योंकि आपके द्वारा ही सब कुछ संभव है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आप में सब कुछ संभव है। यीशु मसीह, आपके हाथों में सब कुछ सौंपते हैं। हम अपनी वर्तमान स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह,
कि आपका वचन हमें मत्ती 17:20 में यह आश्वासन देता है कि राई के दाने जितने छोटे विश्वास से हम पहाड़ों को हिला सकते हैं। आमीन, हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम अपने आप पर भरोसा करते हैं और यह दृढ़ करते हैं कि आप हम में बने हुए हैं, जिसके द्वारा हम छोटी से छोटी मुसीबतों को और बड़े से बड़े पहाड़ को दूर कर सकते हैं। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम अपने जीवन में आपकी बहुतायात आशीष की कामना करते हैं। हाँ प्रभु, आपका वचन हमें याद दिलाता है, हमें आशीषित करता है कि आप उन लोगों के आशीर्वाद देंगे जो आप पर भरोसा करते हैं और जो आपके रास्ते पर चलते हैं, जैसा भजन संहिता 1:1-3 में लिखा है। हाँ प्रभु, आपका आशीर्वाद हमारे जीवन में आशीषित स्वर्गीय आशीष से भरता है, आपकी कृपा और प्रेम हम पर बनाए रखता है। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपकी सही योजना सही समय पर हमारे जीवन में कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह, आपके हाथों में सौंपते हैं कि आपकी शक्ति से हम सच्चे आशीष प्राप्त करें। दिल और विश्वास के द्वारा हम आपकी प्रार्थना और निवेदन करते रहें। यीशु मसीह, आपके हाथ हमें सब कुछ सौंपते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु कि हम सच्चे दिल और सच्चे विश्वास के साथ यह प्रार्थना करते हैं और हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।